ऐसा है बाबू कि हमका लोगन का गांव में मुसीबत पड़ जाए तो गली रास्ता नहीं है, न रोड है, न कुछ है, न गली है, न घाट है, कुछ डॉक्टर वोक्टर आते नहीं। मान लीजिए कोई सीरियस है फिर उनके लिए क्या होगा? सीरियस हो गए तो कोई नहीं आता है, चाहे कोई मर जाए। तो डिलीवरी वाली महिला को कैसे ले जाते हैं? अब यही था, चार पाई में लाद के लाई जाते हैं। मान लीजिए उस दिन आदमी ना रहे घर में फिर क्या हाल होती है? आदमी न रहे तो फिर मर जाए, और क्या हो, रास्ता नहीं है तो आएंगे कैसे? जिला चित्रकूट ब्लॉक मऊ है, गांव बराहा कोटरा है, मजरा गुरेटन पूर्वा है। तो ये गुरेटन पूर्वा का पूर्वा है। तो देखिए इस गांव में चार पीढ़ी बीत गई, अभी तक का यहां सड़क नहीं बनी है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। कोई बीमार हो जाता है, कोई डिलीवरी वाली महिला होती है, तो उनको चार पाई से एक किलोमीटर पैदल ले जाते हैं, तो कम से कम एक घंटा समय लग जाता है। यहां कब से सड़क नहीं है? कब हो नहीं भैया, कितना साल बसे होगा? अरे बसे तो होएगा कम से कम, हमार बाप खत्म हो गए, हमार भाई खत्म हो गए, दो पीढ़ी चली गए। आज तीन चार पीढ़ी बीत गए, चौथा पीढ़ी आज चल रही था। मेन सड़क एक किलोमीटर दूरी है, वहाँ जाते आते में पता नहीं क्या घटना हो जाती है रास्ता में। आदमी परेशान है, कोई पैदल तक को जाने को रास्ता नहीं है। कोई समस्या पड़ जाए, कोई मरीज के लग जाए, अगर नहीं पहुँच पाते तो आदमी मर जाएगा। एक घंटा समय लगता है, खटिया में लाद के लग जाते। ये अगर 700-800 मीटर होगा तो कम से कम 50 लाख से ऊपर का है ये। और ये जो है जिला पंचायत स्तर पर ही हो सकता है, हम लोग तो 100-150 मीटर वाले हैं। एक चक्रोड तो सर ये चकबंदी में कटी हुई है अभी, इससे यहाँ से सीधा घुरेटा के लिए। तो ये क्यों रूधा है, क्यों नहीं निकले देने देते हैं? आज तक ये नापा ही नहीं है, कोई लेखपाल जितने चकबंदी करके चले गए और नापे नहीं है, पैसा खा करके चले गए चकबंदी कर करके। यहाँ पे जमींदारों की जमीन है इसलिए शायद असर पड़ता है। कभी कोई नेता नगरी आए? कोई नेता नगरी वोट के समय में आते हैं। उस समय क्या बोलते हैं? उस समय बोलते हैं हम बनवा देंगे तुरंत, फिर कोई आता ही नहीं है। प्रधान दोबारा आए झांकने का? ना 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 ना, यहाँ तो झांकने नहीं आए, एक रोज नहीं आए कि का तकलीफ है का दुख है। जो बच्चे पढ़ने जाने तो घर में जार घूम लेते हैं, वो मखना लग जाते हैं, मास्टर लोग नहीं निकल पाते, न दाई निकल पाते, न बदल निकल पाते। अरे हम लोगों को तो स्कूल की तरफ से हो जाए, स्कूल सीधा जाए और स्कूल से सीधा वो पर्दुआ वाली रोड में मिल जाए, मेन रोड में। तो गांव के निवासियों ने बताया कि सर इसमें व्यक्तिगत भूमधरी जमीन है और सरकारी रास्ता नहीं कटा है। लेखपाल से जब मैं वार्ता किया तो लेखपाल ने कहा कि सर ये भूमधरी जमीन है। सचिव से जब वार्ता किया तो सचिव ने कहा कि अगर रास्ता मिल जाए तो मैं इस पर कार्य प्रारंभ करा दूं। वहां पर कम से कम जो मैं एक लगभग दूरी अंदाज लगाया वो 1 किलोमीटर से कम नहीं है। रही बात बजट की, तो मनरेगा में मैं ऐसे कच्चे कामों को ही चिन्हित करता हूं। मुझको अगर जगह मिल जाए तो मैं मनरेगा के अंतर्गत मैं इस्टीमेट बनवा करके और मैं उस पर काम लगवा दूं। बजट की कोई समस्या नहीं है, समस्या इस समय है जगह की, जमीन की। तो अभी तक यहाँ चक्रोड भी नहीं नापी गई है, ना चौड़ी सड़क बनी है, बस इसी पतली गली से लोग निकलते हैं। तो सबसे ज्यादा बरसात के मौसम में दिक्कत होती है, अगल बगल इस तरह से रूम देते हैं तो जब बच्चे निकलते हैं तो फिसल के गिर जाते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये गली है और वो गांव है, तो इस तरह में लोग निकलते हैं।